भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को गाली बक के, उनको बुरा कह के अपनी राजनीति करती है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों के सामने विष्णु भगवान की बेदती की, रामचंद्र जी की बेदती की, ठट्ठे लगा लगा के हंस रहे थे आप लोग। अगर आसिफ वकार राज्यसभा में होते तो दौड़कर नरेश अग्रवाल की जबान पकड़ लेते कि भगवान की बेदती कर रहे हो, और कट्टे लहराते हुए नारे लगाते हुए निकलते, क्या कौन काटा जाएगा, क्या चिल्लाएगा। ये बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, बहुत बड़े हिंदू हैं ये, मैं इनका सम्मान करता हूं, इनके हिंदुत्व का, बहुत बड़े हिंदू हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जब नरेश अग्रवाल ने वो क्या विस्की में क्या और रम में क्या दिखता है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों के सामने विष्णु भगवान की बेदती की, रामचंद्र जी की बेदती की, ठट्ठे लगा लगा के हंस रहे थे आप लोग, ठट्ठे लगा लगा के। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवानों की बेदती की, बेहुरमती की, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कैबिनेट मंत्री। सीता जी के बारे में आपके डिप्टी सीएम ने क्या कहा, अगर कोई मुसलमान कह देता तो आप पूरा हिंदुस्तान का आसमान पलट देते। बजरंगबली कौन है आपके हिसाब से, आप उनकी जात बता रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है। नरेश अग्रवाल का ग्रेबान पकड़ लेना चाहिए था सर, अगर आसिफ वकार राज्यसभा में होते तो दौड़कर नरेश अग्रवाल की जबान पकड़ लेते कि भगवान की बेइज्जती कर रहे हो, और जो भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं ये हंस रहे थे ठट्टे लगा लगा कर। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, दिल्ली जो देश की कैपिटल है, भारत की राजधानी, उस राजधानी में जहां की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह साहब के अधीन आती है, उस राजधानी में, देश की राजधानी में जहां पूरी दुनिया के मुल्कों की एम्बेसी है, वहां पर जुलूस निकलता है। उस जुलूस में नाबालिग लड़के कट्टे लहराते हैं, कट्टे और तलवारें, कट्टे समझिए, इनसे पूछिएगा, अवैध असलहे, और कट्टे लहराते हुए नारे लगाते हुए निकलते हैं, क्या कौन काटा जाएगा, क्या चिल्लाएगा, मुसलमानों के दो स्थान, इस तरह के नारे लगते हैं। क्या आप लोगों ने केंद्र, भारत के जो हमारे गृह मंत्री, उनसे पूछा कि आपकी पुलिस ने, आपकी सीबीआई ने ये जांच की कि इतने कट्टे कहां से आए राजधानी में, इतना असलहा राजधानी में, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कट्टे किसने खरीदे, किसने बेचे, कारतूस कहां से आए, कुछ नहीं पता। बाकी जगह पे आप फांसी दे दो। देखिए, अगर खराब आदमी को ये एहसास हो जाए अंदर से कि वाकई में वो खराब है, तो वो सुधर जाएगा, शरीफ हो जाएगा। वो खराब आदमी इसलिए नहीं सुधरता है कि वो समझता है कि पूरी दुनिया खराब, हम ही शरीफ। भाई यही हाल आप जो हमसे पहले प्रवक्ता जी बोले थे, इनका और इनकी पार्टी का। तेलंगाना राज्य जो है वो साउथ की एंट्रेंस है, गेट फॉर साउथ। भारतीय जनता पार्टी वहां घुसना चाह रही है, कई कोशिशें कर ली, साउथ में नहीं घुस पाए। भारतीय जनता, भाई सारी पार्टियां राजनीति करती हैं, सबका अपना अपना एक मोटिव है, सबका अपना अपना एक तरीका है। किसी का तरक्की का तरीका है, किसी का अपने राज की बात करता है, कोई अपनी जाति की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को गाली बक के, उनको बुरा कह के अपनी राजनीति करती है। दो बात का जवाब दूंगा। बीजेपी के नेता ने कहा कि हमने नुपुर शर्मा, जिंदल और राजा सिंह को निकाला, आपने डर के मारे निकाला। गल्फ में जितनी मुस्लिम कंट्रीज थी सबने आपकी चूड़ी टाइट कर दी, हमारे देश की बेइज्जती कराई आपने। देश के उपराष्ट्रपति को डिनर पे बुलाकर उनका डिनर कैंसिल किया गया, हमारे देश के एम्बेसडर्स को सारे मुल्कों ने अपने क्या बुलाकर उनको डांट पिलाई, आपके ऊपर दबाव बनाया, तब आपने निकाला। आपने ऐसा नहीं किया, आपने देश की बेइज्जती करा दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।